यार मैं रात जो है वो मतलब लाइफ में सेकंड टाइम जो है ना यूट्यूब पे लाइव आया हूँ। एक दफा लाइव आया था मैं मतलब थोड़े दिन, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले की बात है, तो तब तो कोई मतलब इतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। लेकिन आज रात जो है मैं अपने लैपटॉप के ऊपर लाइव आया था, और पूरी एक प्लानिंग थी मेरी कि यार मैं लाइव आना है तो कोई एक दो बातें करनी है, और बाकी मैंने टिकटॉक पे और अपने जितने भी सोशल मीडिया थे ना अकाउंट, उन पे मैंने मतलब थोड़ा सा ना आइडिया कर दिया था कि यार मैंने लाइव आना तो ये चीज भी उससे करना है। तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा रात का मेरा, क्योंकि लाइव में आपको पता आपकी ऑडियंस जो है वो आपको रेंडमली मतलब वो देख रही होती है, तो जो लोग मतलब आ जाते हैं वो फिर आपको कोई ना कोई मशवरा वगैरह देता है, कोई पॉजिटिव होता है कोई नेगेटिव होता है। लेकिन मुझे मैक्सिमम सारे लोगों ने जो है ना वो पॉजिटिव ही कहा है, किसी ने नेगेटिव नहीं कहा। तो 2-3 लोगों के मशवरे बड़े अच्छे थे, तो उनके ऊपर इंशाल्लाह फोकस भी होगा, अमल भी करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि उसमें मैंने ना डिफरेंट चीजें जो है वो देखी है। एक तो वो अदिया रुबाब मेरी मतलब बड़ी अच्छी बहन भी समझ लें आप, उन्होंने वो मतलब एक्सपीरियंस दिया था कि आपने ना अपने एजुकेशनल जो आपकी चीजें है ना उसके ऊपर आपने कंटेंट पे डेली बेसिस पे कोई मतलब, जैसे मेरा एजुकेशन का है फिजिक्स मैथ का, तो फिजिक्स या मैथ से रिलेटेड जितने भी मतलब कोई आपके लेक्चर है ना वो आपके ऑनलाइन लेक्चर होने चाहिए। उसमें ये होता है कि चले वो कंटेंट एक अच्छा बन जाता है, और टीचिंग का एक स्टेप बड़ा अच्छा होता है कि आप लोग मतलब आगे ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसा कि इंडिया जो है ना, इंडिया इस टाइम इंडिया के टीचर नंबर 1 पोजीशन पे जा रहे हैं इस टाइम। यूट्यूब भरा पड़ा है, आप कोई भी लेक्चर वगैरह सर्च करते हैं तो वो आपको जो है ना वो इंडिया के टीचर्स का सारा शो होता है। तो ये सारा सीन था, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए, तो इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई ब्रांड न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब कैरियर होंगे, खुशबाश होंगे, अलहमदुल्ला मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये कि बस अभी उठा हूँ, तो आज मौसम बड़ा मजेदार है। तो जैसा कि रात का जो मतलब सेशन था लाइव वाला वो बड़ा अच्छा रहा, और आपको पता है कि बच्चों के एग्जाम का सीजन मतलब स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हर चीज का एक सीजन होता है, शादियों का सीजन होता है और A to Z हर चीज का। लेकिन अब शादियों का सीजन तो तकरीबन एंडिंग पे है, क्योंकि रमजान की आमद आमद है, रमजान स्टार्ट होने वाला है और शादियां ऑलमोस्ट जो है वो मतलब हो चुकी हैं। तो बच्चों के एग्जाम का जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है, जैसे मतलब मैट्रिक एग्जाम्स हैं वो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके ऑनवर्ड फिर 9th के, फिर 2nd ईयर, 1st ईयर, BA मतलब ऑनवर्ड जो है ना वो एग्जाम चलते रहते हैं। इसमें ये है कि अब जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनके एग्जाम तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो स्कूल में होने होते हैं, उनका कोई इशू नहीं होता, तो वो अलहमदिल्ला एग्जाम्स मतलब बच्चों के खत्म हो चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चों के एग्जाम अभी चल रहे हैं, क्योंकि कईयों के फेब में होते हैं, कईयों के मार्च के स्टार्ट में होते हैं। लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो मेन मतलब हमारा मतलब फोकस होता है कि बच्चों के एग्जाम अच्छे हो जाए। तो इसी वजह से रूटीन थोड़ी टफ हो गई है कि मुझे अर्ली उठना पड़ता है 11 बजे, और 12 बजे मुझे निकलना पड़ता है, ताकि जो बच्चों का एग्जाम की जो तैयारी होती है ना, क्योंकि साल में काफी छुट्टियां वगैरह हो जाती हैं और कमी बेशी होती है, तो एंड पे मेरा माइंड होता है कि बच्चों को ना मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाए ताकि उनकी तैयारी मतलब काफी अच्छी हो जाए। तो इस हवाले से मैं मतलब करता हूँ, बाकी जो भी मतलब सिनेरियो होता है वो तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे ने जितनी मेहनत की होती है उसको उस हिसाब से उसके नंबर वगैरह मिल जाते हैं और पास हो जाता है। लेकिन पूरे साल की मेहनत और एंड के 2 मंथ्स की जो मेहनत होती है ना वो मतलब बड़ा एक इमेज रखती है, क्योंकि जो चीज़ बच्चों को पूरा साल याद नहीं होती वो एंड के मतलब मंथ में 1-2 मंथ में मतलब काफ़ी बच्चों को बेहतर तरीके से जो है वो याद हो जाती है। तो ये है कि अब चलते हैं, जाके नाश्ता वगैरह करते हैं। तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं और चैनल सब्सक्राइब किया बगैर मेरी वीडियोज़ और ये देखा तो ये बहुत ज्यादा है। आप लोग इस तरह ना करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आपने ठुड्डे मारने, जब तक आप लोग ठुड्डे नहीं मारेंगे तब तक आप लोगों ने आगे नहीं जाना। 1 मिनट लगता है यार, 1 सेकंड लगता है मतलब थंब प्रेस करने में, तो कोई आपके पैसे नहीं लगते, तो ये ज्यादा ना किया करें। ये कि अब चलते हैं घर, जाके देखते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर जो भी इंशाल्लाह एक्टिविटी होती है वो ऐड करते हैं। धूप जो है देखें, ऑलमोस्ट बड़ी मजे वाली धूप है। इंसान धूप में मतलब नहा के अगर धूप में बैठे ना तो बड़ा ईजी फील करते हैं। ये मौसम है सारा। A few moments later. ये है जी हलीम, और ये देसी घी की रोटी है और साथ अंडा है, तो ये टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। अब मुझे नाश्ता कर ले फिर बात करते हैं।
A few inches later. जी मैं अभी नाश्ता कर ही रहा था कि मेरा शहजादा नादली भी आ गया, तो मैं उससे भी बातचीत करता हूँ। जी नादली, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? हाँ। तो आज आप भी हमारे साथ हलीम वगैरह खा लें। मैं ऊपर से वॉशरूम करके आता हूँ ना। तो अच्छा, मैंने इसको कहा कि व्लॉग में लेते हैं, कहता नहीं बाबू भाई मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, वॉशरूम से हूँ। पहले वो मेरे साथ नाश्ता कर रहा था, जैसे व्लॉग का जिक्र गया तो वो उठ के भागने लगा। ऐसे ही नादली। अच्छा नादली, रात में आपके लिए कुछ बेकरी से चीजें लेके आया था, आपको मिली? रात चीज लेके आया था आपके लिए? हाँ। क्या क्या था भला? बेटा आपके लिए भी तो लाया मैंने, उनको भी दे दी थी एमजी टॉफी येलो वाली। किसको? किंजा को। मैं आपके लिए लेज बिस्किट कोकोमो और वो चॉकलेट वगैरह लेके आया था। देखिए आपने कैंडी। मैं किंजा, ए मैं डायमंड को दे चुकी, ग्रीन आई मैं डायमंड को दी और येलो वाली मैंने किंजा को दी। तो खुद क्यों नहीं खाई? दो आमान को क्यों दी? डायमंड के पास उन्नी थी चॉकलेट। खुद आप हमें देते नहीं हो खाने को, तो दुआ मान को दे जा रहे हो आप। किधर जा रहे हो? चल नादली जी चला गया, बहुत तंग कर रहा है। तो क्योंकि वो स्कूल से भी आया तो मैंने इसको साथ ही पकड़ लिया कि व्लॉग बनाते हैं। नाश्ता कर रहा था तो फौरन ही कह रहा मैंने वॉशरूम जाना है, कपड़े चेंज करने हैं। तो ये कि नाश्ता वगैरह कर लिया इंशाल्लाह, तो अब रेडी होते हैं फिर निकलते हैं। जी मैं बस अभी घर से निकला था, मैंने कहा चले ये खूबसूरत जगह जो आप आपको भी दिखा दें। ये मेरी मतलब समझ लें फेवरेट प्लेस है और डेली मेरा यहाँ से गुजरना होता है। माशाल्लाह इतनी ग्रीनरी, खूबसूरती जो है ना, दिलों को और आंखों को वैसे ही जो है वो आपको पता है तरावत महसूस करवाती है। तो ये कि मैं आप निकल रहा हूँ, तो बाकी फिर लेट हो गया काफी, निकलते हैं चला फिर जो भी एक्टिविटी ऐड कर। An hour later. 3 hours later. जी मैं आया था सलमान की तरफ पढ़ाने, तो इसके ना एग्जाम्स हो गए थे, रिजल्ट भी इसका आ चुका था। तो कह रहा सर आए छत पे चलें, छत पे ना व्यू बड़ा अच्छा आता है। मैंने कहा चलें ठीक है। ये देखें ये पहाड़ी ग्राउंड है सामने, ये पहाड़ी ग्राउंड का व्यू है, ये फुल आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और ये समझ लें आप वो पैराडाइज टावर है, ये फैसलाबाद का व्यू है। और ये सलमान है, सलमान क्या हाल है? सर आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का यार, आपकी छत तो माशाल्लाह मतलब बहुत ऊंची है और ए टू जी सारे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो आप लोग इधर ही बसंत एंजॉय करते हो? ये वाली छत पे चढ़ जाते हैं, ये वाली छत पे। सही, तो ये भी आपकी छत? यहाँ पर चढ़ जाते हैं, साथ वाले नहीं होते ना। सलमान कह रहा था सर आए छत पे चले, तो छत पे जाके क्लिप वगैरह बनाते हैं। सलमान आप डेली छत पे रहते हो? नहीं, जब बुड्ढे चढ़ाने होते हैं तब आ जाते हैं। तब आते हैं, वैसे नीचे ही होते ज्यादा। सही है सही है। तो बसंत की तैयारी कैसी है फिर आपकी? अच्छी है, अच्छी है। यार आपकी छत तो माशाल्लाह बड़ी मतलब ऊंची है। ये देखें जी ये टंकी है, बिल्कुल जो बटाला ग्राउंड थाना है ना उसके बिल्कुल साथ है ये। और ये सारा ये पहाड़ी ग्राउंड नजर आ रही है आपको, क्योंकि अजान का भी टाइम है, अजानें भी हो रही हैं। तो सलमान मुझे ज़बरदस्ती लेके आया कि सर ऊपर चलते हैं, तो जाके जो है वो क्लिप वगैरह बनाते हैं। मन का चले ठीक है। तो सलमान और कोई बात करना चाहेंगे? आप माशाल्लाह पास हो गए, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। तो आपकी कौन सी पोजीशन आई है ज़रा बताएं? सेकंड पोजीशन आई है। सही है। तो अब आप कौन सी क्लास में हो गए हैं? 9 में। तो किस आपने अपना स्कूल चेंज करना है या उसी स्कूल में जाना है? स्कूल चेंज करेंगे। कौन सा? टेक्निकल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सलमान कह रहे हैं कि पापा कह रहे हैं साबरिया से राजियामान का, साबरिया से जो है ना वो टेक्निकल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर गवर्नमेंट स्कूल। तो आप टेक्निकल पर जा रहे हैं? सही है। तो साइंस रखेंगे या आर्ट्स रखेंगे? साइंस विद कंप्यूटर या बायो? कंप्यूटर। कंप्यूटर ठीक है, चलें गुड हो गया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। ठीक है, सही है। चलें जी, सलमान का मतलब रिजल्ट आया था, देखें ये लगता तो ये छोटा ही है लेकिन माशाल्लाह ये 9th में हो गया है। तो उसको मैंने मशवरा दिया था कि बेटा प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ें आप ना, गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल है हमारा इधर डी ग्राउंड पीपल्स कॉलोनी में, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये कह रहा था कि सर पापा ने कहा है मुझे कि ना साबरिया से राजिया स्कूल में जमन का। नहीं बेटा, वहाँ पे एक तो स्कूल का स्टैंडर्ड नहीं अच्छा और सेकेंड जो है वो उसकी
मतलब पढ़ाई भी अच्छी नहीं है, रिजल्ट वहाँ पे बहुत मतलब ख़राब आते हैं। तो टेक्निकल जो स्कूल है ना इस टाइम फैसलाबाद में सबसे बेस्ट जा रहा है, और मैंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स और मेरे कज़न जो हैं वो मैंने उनका एडमिशन जो है वो टेक्निकल में करवाया है, ताकि वहाँ पे मतलब रिजल्ट भी अच्छा है। तो अजान का टाइम है तो अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अजान में बोलना नहीं चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह ठीक है सलमान, फिर बाय 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 बाय, चलो जी फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड पहाड़ी ग्राउंड। 3 hours later. जी नमाज का टाइम था, नमाज वगैरह पढ़ी है तो नमाज पढ़ के फ्री हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 2000 years later. जी मैं बस अभी घर पहुंचा हूं। जैसा कि आपको पता है कि मेरी रूटीन काफ़ी टफ हो गई है, तो अच्छा मैं फ़नी गल्लां कितों ले आवां, फ़नी कंटेंट मैं कहां से लेके आऊं मेरे लेकिन यार यहां मैं पिघल गया हूं, मेरे पास नहीं है। आप लोग वो बिल्कुल बेहतर तरीके से पता है कि मैं फ़नी कंटेंट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल, क्योंकि लाइव सेशन में काफ़ी मतलब एक दो लोगों ने कहा कि आप ना फ़नी व्लॉग्स बनाया करें, फ़नी कंटेंट। मैं कहा मैं कितों ले आवा फ़नी कंटेंट, मेरे को नहीं हैगा। तो लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह, ट्राई करते हैं। तो बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो जाए फिर देखते हैं कोई इस तरह का सीन। तो क्योंकि मैं मतलब बड़ा सीरियस सा बंदा हूँ, मैं मतलब ये बात भी कर रहा हूँ समझे, गनीमत ही है। तो फ़नी कंटेंट वाला सीन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोई ना कोई जो है एक्टिविटी मतलब स्टार्ट कर बीच में डाल लेते हैं। जैसे आज सुबह नादली ने मतलब व्लॉग में शामिल था, तो उसका थोड़ा सा फ़नी क्लिप हो जाता है, और वो सलमान के साथ छत पे जो है उनकी छत पे व्लॉग बनाया पूरा, वो मतलब फैसलाबाद का व्यू जो है वो आपको नज़र आ रहा था। तो ये कभी घर पहुँचे हैं तो देखते हैं क्या बना हुआ है, खाना खाते हैं फिर बात करते हैं। जी आज बॉयल चावल हैं और ये दाल बनी हुई है साथ, तो मेरी फेवरेट भी है। वहीं खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाते हैं फिर बात। हेलो, ये देखिए नादली किस हालत में जो है वो चावल खा रहा है। नादली खैर है, गर्मी आ गई है। नादली गर्मी आ गई है, क्या बात नादली। से देखो बाय बाय करो, बाय 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 बाय। तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ आपका, सारे कहेंगे नादली कैसे खा रहा है। ओ खैर बब्बू शेर मेरा शहजादा। जी नादली मेरा शहजादा है, तो ये खाना खा रहा था तो ये भी साथ आ गया। A few moments later. जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया है, तो नादली भी पास ही बैठा हुआ है, तो आए उससे भी बातचीत करते हैं क्या सीन है वो, क्योंकि यूट्यूब पे जो है ना वो कार्टून वगैरह देख रहा है। हाँ जी नादली वालेकुम सलाम, क्या मैंने आपसे सलाम लिया नहीं है, तो वालेकुम सलाम आप खुद ही कही जा रहे हो। इधर देखो क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो, खाना छाना खा लिया। तो ये क्या पड़ा हुआ शापर में, ये क्या है, ये क्या है, वाह जी वाह। ये नादर ये क्या चीज़ें, ये तो डेरी मिल्क है, और ये आपका ग्लूको बिस्किट है कि ग्लूको केक है, वाह ग्लूको टेडी। तो ये आपने सुबह स्कूल लेके जाना है, हैं नादली ने सुबह अपनी स्कूल की शॉपिंग की है, खाने पीने की, तो खाना खा लिया इसने। नादली आप बात तो करो यार, आप देखने वालों को कहो कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें लाइक करते हैं। पहले दो मिनट को ना, अच्छा इधर देखो दो मिनट को कि आप लोग हमें देखते हैं, लाइक करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आता नहीं है। आप कह दो कि बब्बू भाई के चैनल, हमारे चैनल को लाइक करें। मेरे चैनल को लाइक करें, बब्बू भाई को आई लव यू टू दें। आई लव यू टू नहीं, बब्बू भाई के चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। क्या बेल आइकन? चलो ठीक है मेरा बेटा, देख लो मोबाइल यूज़ कर लो। जी नादली कह रहा है कि हमारे चैनल को जो है वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो अभी खाना शाना खा के फ्री हूँ मैं, तो मैं भी थोड़ा मतलब थका हुआ था, मन का चलें थोड़ी सोने की भी तैयारी कर लें, लेकिन नींद तो आपको पता है टाइम पे ही आती है। तो अभी भी मैं अपने एनालिटिक्स काम चेक कर रहा था, 58% लोग इस तरह के हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो यार क्यों इस तरह करते हैं आप, ये ज्यादा ना करें, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस मत करना मत भूलिएगा। अगर आप प्रेस नहीं कर सकते तो ठुड्डे मारें, आप ठुड्डे जितने के मार सकते हैं, जितने के मार सकते हैं, जितना आपका दिल करता है आप उसको ठुड्डे मारें। आपको नए नए व्लॉग, अच्छे अच्छे व्लॉग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिलें। तो ये है कि अब खाना वगैरह खाया, चाय पीते हैं थोड़ी देर तक, उसके बाद फिर इंशाल्लाह व्लॉग एंड करते हैं।
An hour later. कभी लोग यहाँ पे करते हैं, तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह जो आज की सारी रूटीन थी वो आपके सामने है। सलमान की तरफ गए थे, उसकी छत पे थोड़ा सा व्लॉग बनाया, बाकी नादली के साथ सुबह में थोड़ा सा क्लिप बन गया था और अभी थोड़ी देर पहले भी। तो खाना भी वो खा रहा था, उसके साथ थोड़ी सी गपशप हुई, क्योंकि मोबाइल यूज़ कर रहा था इसलिए उसने ज़्यादा जो है वो मतलब क्लिप नहीं बनाया, ना ज़्यादा बातें की। तो वो कह रहा था कि हमारे बब्बू भाई के चैनल को जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। तो बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I pull up in a jet and in the whip, I got a baddie and she's trying to